लॉन्च का जब आइडिया आया, जब बुक के लिए आप जिसने जैसे कि हमें जैसे कि मालूम पड़ा कि आप खुद इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने आपने कहा कि गुरु जी से कि बुक के थ्रू इसको क्या कहना चाहिए। मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक किस्म की इंसान हूँ और थोड़ी मिसअंडरस्टूड ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो ड्रेस होने का तरीका है ग्लैमरस है, तो मैंने नहीं समझा कि मुझे सबके सामने बताना है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। ये कोई लोगों को प्लीज़ करने के लिए नहीं हूँ, ये मैं खुद हूँ अपने तरक्की के लिए, अपने मानसिक शक्ति के लिए। और मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे कुछ पहनना है किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो जब कोविड हुआ था मैंने सोचा कि मैं उस वक्त का फ़ायदा उठाऊँ और मैंने गीता का डिप्लोमा किया है प्रभु ब्रजमोहन दास जो हैं वो IIT के टॉपर रह चुके हैं और बहुत ही उनमें वो ब्रह्मचारी ही नहीं हैं परंतु बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, ब्रह्मचारी हैं। और जब मैंने उनके साथ क्लासेस की एक साल लगा और मैंने सोचा कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग में रिफ़्रेश कैसे करूँगी, उसको मैं रिविज़िट कैसे करूँगी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बुक क्यों नहीं लिख लेते। तो उस वक़्त वो थोड़े एम्बिवेलेंट थे, मिक्स थे कि मैं लिखूं, गीता के बारे में तो इतना लिखा गया है, लेकिन मैंने उनको कहा प्रभु जी जिस तरह आपने सिखाया है वैसे तो कोई बुक में है नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में द लॉ ऑफ वल्नरेबिलिटी, द लॉ ऑफ यू नो एक्टिंग, थिएटर, सब चीज़ को इस बुक में इंटरट्वाइन किया है। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये बुक वो लिखें, उन्होंने लिखा और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं उसको बॉम्बे सोसाइटी में जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए नहीं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा धर्म को शामिल करना चाहिए उन लोगों को मैंने बुलाया है आज। और मैं चाहती हूँ कि हर जिंदगी में जो कोई हादसा आए, प्रॉब्लम आए, उनके पास एक बैंक बैलेंस हो, पैसों का नहीं मगर स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में हमारे पास ये फॉल बैक है भगवान का जो सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा है, तो जो दुख और सुख की जो चक्र है उसको हैंडल करने में हमारे पास और साधन है, और वो साधन है भगवद गीता, जो इस बुक में बहुत सरल तरीके से हमें समझाया गया है। ब्रजमोहन दास, इन्हें आप किस तरह से देखते हैं, एक तरह से गुरु है आप, इसके बाद में उन्हीं का बुक लॉन्च किए हैं आपने, कंटिन्यू क्लासेस ली हैं आपने, ट्राई किए हैं। ब्रजमोहन जी इस्कॉन के ब्रह्मचारी हैं, ऐसे बहुत से हैं, मेरे खुद के गुरु श्यामानंद प्रभु हैं, श्यामानंद प्रभु से मैं क्लासेस लेती हूँ और मैं उनका, वो मेरे गाइड हैं, मेरे स्पिरिचुअल गाइड हैं। ब्रजमोहन जी ब्रह्मचारी हैं, मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ। और ऐसे इस्कॉन में काफ़ी ब्रह्मचारी हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु जी हैं और बहुत प्रभु जी हैं जिनका मैं हेल्प लेती हूँ स्पिरिचुअल बनने में। मेरे ज़िंदगी में मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं इक्वल राइट्स में वर्क कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ, बहुत सी चीज़ें करती हूँ और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरे ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी से मैं समझती हूँ कि मैं जो सांसारिक दुख सुख के जो बाधाएं आती हैं मैं उसको अच्छी तरह हैंडल करती हूँ। और जो सुपरफिशियल वर्ल्ड में हम रहते हैं जिसमें रिश्तों का बहुत कम मायना होता है, लोग आते हैं जब ग्लैमर है, जब सोसाइटी है, और जो वक्त है जो इतने अच्छे नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं इतने सारे, बहुत कम लोग होते हैं, ये सब हैंडल करने के लिए मैं समझती हूँ स्पिरिचुअलिटी को अपने ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों जीवन जीने कहीं ना कहीं वो सर भी हम आपको देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, कैसे लगता है, कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े मैं दो ज़िंदगी नहीं जीती हूँ, स्पिरिचुअल और सोशल अलग नहीं हैं। हम सब जो सोशल है, स्पिरिचुअल है, जीन्स है, मिनी स्कर्ट है, घाघरा है, सब कृष्णा का है। ये कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, जो बुरा है जो अच्छा है सब भगवान से आता है, जो बुरा वक्त भी है
आज सुबह जब मैं इतना बड़ा इवेंट करने जा रही थी, मेरे गर्दन में बहुत ज़ोर से एक स्प्रेन आ गया, लेकिन मैंने दवाई खा के, मैं खड़ी हूँ आपके सामने, मैंने बुक रिलीज़ किया, मैंने सब किया। मैं समझती हूँ कि सब कृष्णा से आता है, और जस्ट बिकॉज कोई स्टिलेटोस पहन रहा है और खादी और चप्पल नहीं पहन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो धार्मिक नहीं है और वो लॉयल नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ, वो मेरे सबसे, आपने मुझसे पूछा कि मेरे गुरु कौन है, सबसे बड़े मेरे गुरु, सबसे बड़े भगवान मेरे हस्बैंड कुंवर रामेश्वर सिंह हैं। सब जो हैं, जो आप देख रहे हैं प्रभु जी, सब उनके बाद हैं मेरे लिए कृष्ण भगवान और मेरे खुद के हस्बैंड हैं। और जस्ट बिकॉज आई एम नॉट कवरिंग माई हेड एंड वे नॉट यू नो लुकिंग वेरी इंडियन और सती सावित्री, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, मेरे दिल में जो विचार हैं वो बहुत ही धार्मिक हैं, और मैं बचपन से हनुमान चालीसा को जानती हूँ, कहती हूँ। बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू वेयर इट लाइक अ बैज ऑन माई चेस्ट टू प्रूव पॉइंट्स टू पीपल। जो लोगों को मेरे बारे में सोचना है उनको मैं भगवान के ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। आई एम नॉट हियर टू प्लीज एनी वन, आई एम हैप्पी इफ दे थिंक ऑफ मी एज अ सेलिब्रिटी, पर अंदर से मैं सिंपल इंसान हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा प्लेजर, सबसे ज़्यादा खुशी अपने धर्म में लेती हूँ, अपने पूजा में लेती हूँ, अपने कीर्तन में। अभी दामोदर का मंत्र गया है, मुझे सबसे मज़ा आता है जब मैं अपने भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हूँ और मैं उनका सेवा कर रही हूँ। काफ़ी लोगों से बात है कि आपके बारे में, सभी काफ़ी ये लोग जो बुक के रिगार्डिंग काफ़ी एक्साइटेड दिखे, क्योंकि आगे चल के हमें बुक के थ्रू से मूवी बनते हुए देख सकते हैं, इस बुक के थ्रू अगर मूवी बने तो बहुत लोग एक्साइटेड थे आज के लिए। मैं भी खुद सरप्राइज थी, क्योंकि जिसने रेस्टोरेंट दिया है हमें, नीति गोयल ने, इतने बड़े दिल से हमें इतना ग्लैमरस जगह दिया है ये बुक लॉन्च करने के लिए अपने बड़प्पन से, मुझे नहीं मालूम था कि आधा घंटा पहले ही लोग आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है इस सिटी में, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे लोग इतने सुंदर बन के, बन ठन के आएंगे और इतना मज़ा लेंगे इस प्रोग्राम में। मैं बहुत खुश हूँ ये देख के, और ऐसे बुक्स और लिखी जाएं, कुछ और धार्मिक मूवीज़ बनाए जाएं। मैं समझती हूँ महाभारत और रामायण अगर बहुत बड़ी तरीके से मैग्नम ओपस बन के फिल्म बने, तो और जो दूसरा जेनरेशन है वो भी सीखें, वो भी जानें हमारे धर्म को। हम लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में एडुकेट हुए हैं, हम लोग बाइबल जानते हैं, मगर भगवद गीता तो मैं अभी सीखी हूँ, तो मैं ज़रूर समझती हूँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से विनती करती हूँ कि हमारे स्कूलों में, हमारे पाठशालाओं में हमें रामायण, महाभारत, गीता जैसे भी एपिक्स और धार्मिक किताबें, हमारे इतिहास पढ़ने को हमें मौका मिले। मूवीज़ की बात हो रही है, आपका जीवन भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा है, और एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका दोस्त में, आपने कहा था कि मेरे अगर बायोपिक बने तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो अगर बायोपिक बने तो कौन सी एक्ट्रेस होगी जो कि आपको देख लेंगे? तो मेरे जीवन के ऊपर लॉर्ड जेफरी आर्चर, जो लंदन के ऑथर हैं, वर्ल्ड के सबसे मशहूर बेस्ट सेलर हैं, उन्होंने मेरे ज़िंदगी में के बारे में स्टोरी लिखा है, और वो पहला स्टोरी है जहाँ पे असली नाम है, मेरा नाम निशा जामवाल है उस बुक में। और वो किताब मूवी बनने वाली है, स्क्रिप्ट हो रही है मेरे ज़िंदगी के बारे में। और आप पूछ रहे हैं कि कौन मुझे प्ले करेगा, तो बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, बहुतों को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मगर जो मेरे नेचर जैसे थोड़े हसमुख हैं और सिंपल हैं, वो परिणीति चोपड़ा है जो मैं पसंद करती हूँ पर्सनली। और आमिर खान मेरे हस्बैंड के पर्सनालिटी से सबसे नज़दीक हैं, बहुत, मेरे हस्बैंड थोड़े बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और शर्मीले हैं, तो देखा जाएगा, मगर अभी तो स्क्रिप्टिंग हो रही है। तो आप प्रभु जी के साथ लेना चाहते हैं ना थोड़ा, प्रभु जी यू विल जैसे मैं अभी जस्ट बता रहा था कि मैम जो है इतने उनके सोशली इतना एक्टिव होके भी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब इज़ नो द आइडियल वे टू नो बैलेंस लाइफ,
बट बहुत बार ना लोग सोशल एक्टिविटी में इतने उलझ जाते हैं दैट दे फॉरगेट देयर रूट्स. बट इफ़ ए ट्री हैज़ टू ग्रो टॉल इट हैज़ टू ऑल्सो ग्रो डीप एंड शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर पर्सन हु इज़ लाइक ए ट्री ensuring her roots are no strong and that's why she is able to know reach heights meet so many people aur itna sab ulaj itna sab uljano mein andar se ek krishna bhakt jo apne kanhaiya ko apne krishna ko chahti hai so that simplicity at heart actually gives her that strength so I always appreciate her for that thank you no that's your bada part तो टफ टाइम में प्रभु जी जैसे ही लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं. मैं समझती हूँ कि प्रभु जी जो कर रहे हैं सारे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं और मैं प्रभु ब्रजमोहन का बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि जो लोग वर्ल्ड को रिनाउंस करते हैं वो सोशल मीडिया वगैरह के पीछे नहीं भागे तो फिर हम उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं. प्रभु जी इतने सोशल नहीं हैं ना वो लोगों के पीछे भागते हैं. वो हैं जो उनका मकसद जो है ऐसी चीज़ें लोगों के पास लाना तो वो थोड़े शाय हैं और उनका पूरा जो पाथ है कृष्णा के मैसेज को इंडिया के और अंतरिक्ष विश्व के नागरिकों के पास लाना का है तो मैं उनका इज्जत करती हूँ और मैं समझती हूँ हम लोग हैं जो उनके मैसेज को आगे बढ़ा सकते हैं. और प्रभु जी आपने कहा कि बुरे वक्त में ऐसे चीज़ें कैसे हेल्प करते हैं. अब देखिए कोविड के वक्त में प्रभु जी ने हज़ारों स्टूडेंट्स को लेके जूम पे गीता को सिखाया और इतने सरल तरीके से सिखाया इतने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के. जैसे अगर आप चैप्टर्स देखें तो ये चैप्टर्स एक एक चैप्टर है जो हमारे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है. तो ईगो थिएटर है. अब देखिए ईगो तो सबसे बड़ा हमारा फॉल है. लोग गिरते हैं ईगो के वजह से. तो उन्होंने ईगो को लेके गीता में क्या सीखा जाता है ईगो का उसका इंटरट्वाइन किया है. तो मैं समझती हूँ आपने कहा बुरे वक्त में मेरे ज़िंदगी में इतनी ऊपर और नीचे वक्त आए हैं रैपिड्स आए हैं रोड ब्लॉक्स आए हैं इन चीज़ों से मैं शक्ति लेती हूँ और मैं ढूंढ के प्रभु जी ब्रिज मोहन दास जैसे लोगों को जैसे गुरु को गाइड मानती हूँ और ऐसे उनको ले के अपना उनके टीचिंग्स को सीख के मैं आगे बढ़ रही हूँ. और फेम फॉर्चून ये तो सब आने जानी चीज़ हैं. ये हाथ का मैल है ये रहते नहीं हैं. एक दिन राजेश खन्ना तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टार था और जब वो इस दुनिया से गए अकेले थे ज़्यादातर तो ये चीज़ें और वो हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार थे. तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो हम ये देखेंगे कि फेम आता है और जाता है. इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया जा सकता लेकिन ब्रजमोहन प्रभु जैसे लोगों को सीरियसली लेके उनका हेल्प मांग के उनका गाइडेंस मांग के क्योंकि बहुत जो बड़े चीज़ें हैं वो मांगे जाते हैं उनका वैल्यू समझना है. तो मैंने मांगा है और मैंने ये बुक भी उनसे विनती की थी कि आप लिखिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे उन्होंने इतना सम्मान दिया है कि मैं ये बुक रिलीज़ कर सकती हूँ. और जो लोग थे आज वो जा ही नहीं रहे थे. प्रभु जी बोल रहे थे कि अभी प्रोग्राम बंद कर दें क्या मगर प्रश्न लोग पूछे जा रहे थे. तो आप समझ सकते हैं कि कितना थर्स्ट है कितना भूख है लोगों का इस शहर में इस देश में और इस विश्व में. गीता रामायण या तो पुराण इनके बाद इंस्टेंट कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं. अभी फिलहाल करंट की बात किस तरह से जोड़े इसका कुछ ऑप्शन आप लोग दोनों से कुछ लोग दूर जा रहे हैं गीता से और हमारे रामायण महाभारत से. तो प्रभु जी बहुत बड़े लेखक हैं लाइफ कोच हैं स्पिरिचुअल लीडर भी हैं. उनसे मैं विनती करूँगी कि सिंपलिस्टिक तरीके से अगर वो बुक लिखते जाएं तो हमारे जो दूसरे जेनरेशन है मिलेनियल्स और जेन नेक्स्ट जेन जी वो और आकर्षित होंगे. प्रभु जी यस यूथ को ना
फैसिनेटिंग स्टोरीज चाहिए, फैसिनेशन चाहिए। और जब हम कोई चीज़ बोरिंग तरह से प्रेजेंट करते हैं या रिचुअलिस्टिक तरह से बताते हैं, सो देन दे लूज इंटरेस्ट। तो हमारा गीता का प्रयास यही है, स्पिरिचुअलिटी का यही प्रयास है, इन आवर का अटेम्प्ट्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट एंड लाइक ए टीम स्पोर्ट। एंड देयरफॉर यू नो इस्कॉन में ज़्यादातर यूथ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वी मेक इट गीता एज ए टीम स्पोर्ट, जहाँ पे हमको साथ में स्पिरिचुअलिटी एज एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी एज एडवेंचर, स्पिरिचुअलिटी एज एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी एज यू नो अचीवमेंट्स, बट वो सभी भगवान के लिए करते हैं, तो एक तरह का इनर डेप्थ। सो इवन व्हेन आई वाज अ यूथ, आईआईटी में जब पढ़ रहा था मैं, तभी मैं इस गीता से अट्रैक्ट हुआ। बट ऑफकोर्स आई वॉज डीपली लुकिंग फॉर, बट इवन दोज हु आर नॉट डीपली लुकिंग, इफ दे आर प्रेजेंटेड इन ए ईजी, फनी, इंटरेस्टिंग वे, सो ये बुक का मकसद वही है, इट रीचेस टू दोज पीपल दैट डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेन टैक्स टू मच टू अंडरस्टैंड गीता। तो एंड एज आई सेड टीम स्पोर्ट, एक वी नीड टू हैव नो ग्रुप्स दैट सपोर्ट द प्रॉपर लाइफ स्टाइल। अभी क्या है, मैनी का बाहर जाएंगे तो इमीडिएटली रिडिक्यूल होता है, मूवीज में रिडिक्यूल होता है हिंदू कल्चर का। बट इफ़ वी नो स्टार्ट टू सपोर्ट, स्टार्ट टू नो पोट्री दैट दीज आर कूल थिंग्स, दीज आर थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, देन पीपल विल स्टार्ट टू टेक अप। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिंदगी में हादसा, ट्रेजिडी बहुत आती हैं, खुशियाँ भी बहुत आती हैं, दोनों को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। और खुशियाँ भी थोड़ा सा कैलिब्रेट करके लो और दुख को भी थोड़ा संभल के लो। और ये करने के लिए हमें गीता, भगवद गीता का हेल्प लेना है। और जैसे कि मैं प्रभु जी के पास आई हूँ उनका हेल्प लेने के लिए, हम सब बहुत खुशनसीब होंगे अगर हम अपने ज़िंदगी में गुरु को और गाइड को शामिल करें। हिंदू धर्म में बहुत साफ लिखा है कि ऐसे मंत्र और इतिहास और गीता को अपने ज़िंदगी में ठीक से लाने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, बोनाफाइड गुरु की ज़रूरत होती है। और इसके बारे में एक ही बात मैं बहुत मन से कहूँगी, सबको पसंद नहीं आएगा ये बात, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप गुरु भी चुनते हैं तो गुरु सोशलाइट नहीं हो सकते जो इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइक्स मांग रहे हैं। एक गुरु में और आम आदमी में कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो जब आप गुरु भी चुन रहे हैं तो ऐसे गुरु चुनिए जो हमें भगवद गीता सिखाना चाहता है और जो खुद एग्जाम्पल के साथ लीड कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी को जब मैंने चुना मुझे गाइड करने के लिए, तो मैंने ऐसे गुरु को चुना है, श्यामानंद प्रभु को, गौरांग प्रभु को, जो खुद धार्मिक रास्ते में शामिल हैं और ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं ज़्यादा, वरना गाइड में और हम में क्या फ़र्क है, आप बताइए। मैं एक कहावत है उससे अंत करूँगा, इतना अक्ल नहीं आती है, बादाम खाने से इतना अक्ल नहीं आती है जितना धोखा खाने से आती है। और धोखा खाने से इतना बदलाव नहीं आती है जितना गीता सीखने से आती है। जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव प्रतीक, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आई है मिशन रानीगंज विद अक्षय कुमार, और नीता मैम से और निशा जी से बहुत दिनों से कनेक्टेड हूँ मैं। निशा जी को मैं ऑलवेज ग्लैमरस पार्टीज़ में देखता था, उनको कहीं ना कहीं सोशल वर्क करते हुए देखता था, लेकिन ये भागवत वाला रूप उनका आज देखने को मिला है तो आई एम सो हैप्पी। और जैसे ये गीता सूत्र जो लॉन्च हुई है, गीता सूत्र में जैसे हम गीता शायद सभी नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन आप गीता सूत्र पढ़ के कहीं ना कहीं गीता से कनेक्ट हो सकते हैं और उसके महत्व को समझ सकते हैं, और ज़िंदगी में गीता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें, और निशा जी को, उनकी पूरी फैमिली को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। गीता सूत्रास जो बुक है ब्रजमोहन दास जी की,
वो आई थिंक गीता इज़ अ वे ऑफ लाइफ हम सब बोलते हैं, पर वो वे ऑफ लाइफ को पीस मॉर्सल में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है, आप उसको सेरेलेक खिलाते हो, ग्राइप वाटर देते हो, आप उसको दाल चावल नहीं दे सकते पहले से, राइट? सो आई थिंक ये बुक बहुत मायने रखती है इस बारे में कि हम छोटे छोटे चीज़ों से कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं और गीता को हमारी लाइफ में कैसे अमल कर सकते हैं। मेरे जो मास्टर गॉड गुरुजी है मेहर बाबा, वो भी इसी तरीके से कि प्रैक्टिकल यूजेज होना किसी भी विजडम का बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक प्रभु जी हैज़ डन ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी डिवाइन वर्क ऑफ पुटिंग दिस इन टू दिस लवली सिंपलिस्टिक मैनर। और एक्रोनिम्स, शॉर्ट फॉर्म्स जैसे हम कहते हैं, वो सब हमारे जहन में बहुत तुरंत रह जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू निशा जामवाल एंड शशि जी, हर डियर मदर, फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। Nisha ji, I've been knowing her since my film times when I was in films, and then my transition also, just as her transition has happened through a period of time, has taken with to follow my spiritual calling after I left my film work completely 12 years back. So thank you, Nisha, and more love and power to you to do more great work and reach to many many souls with such wonderful work. Thank you so much. Namaste. Bataye kab start kare, kab shuru kare. तो ये निशा जी का बड़प्पन है कि हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस के मूवमेंट का हमें एक हिस्सा बनाया, और प्रभु जी की जो एक किताब है, एक सारांश में उन्होंने लिखा है, सारी गीता एक संक्षेप में उन्होंने बताई है बहुत सरल और सहज भाषा में। और कृष्ण कॉन्शियसनेस के दीवाने हम हैं, हम जब भी कुछ स्वास्थ्य का काम करते हैं तो आस्था के साथ करते हैं, और ये आस्था कृष्ण की है, कृष्ण की करुणा है, कृष्ण का कार्य है, कृष्ण की कीर्ति है और उसकी संस्कृति है। और मैं बोलना चाहूँगी कि निशा जी की बड़प्पन है कि उन्होंने प्रभु जी को इंस्पायर किए कि प्रभु जी आप ऐसे किताब लिखिए जिनसे हम सभी को के फ़ायदा हो सकता है, हम गीता इजीली समझ सकते हैं और हमारे ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू निशा जी, थैंक यू प्रभु जी, वी रियली नीडेड दिस बुक। हरे कृष्णा। जब संगीत बनता है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। वेरी नाइस। पहली चीज़ है, निशा जी ने इतनी बड़ी चीज़ की है, उनके अलग अलग रूप हैं, और ये जो रूप है बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि हमने उनको ये सोचा नहीं था हमारी ओर से कि इतने कृष्णा कॉन्शियसनेस में डीपली इन्वॉल्व हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या बोलें इस बारे में, इस किताब के बारे में, ब्रजमोहन दास जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया कार्य किया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बचपन में प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन शुरू करा हुआ है, वो हमारे घर में जब अमेरिका से पहली बारी दिल्ली आए तो हमारी माँ उनको लेके गई थी, और वो आए थे तब दिल्ली के अब मैं बिल्कुल नाम भी भूल गई, सॉरी, गुप्ता जी थे, दिल्ली के मेयर थे, सॉरी। और तब हम छोटे थे, पर पूरे कनॉट प्लेस में जैसे नाच के पूरे अमेरिकन्स आए थे, हमारे दिमाग में यही एक आश्चर्य हमें लगता था कि ये कैसे, इन लोगों में इतनी धारणा कैसे हुई है। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि प्रभुपाद जी को बचपन में हमारी मुलाकात हुई है, और जब पहली बारी वृंदावन गए तो हमारी माँ अपनी अम्बेसडर गाड़ी में उनको लेके गई हैं, और फोटोग्राफ्स हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी में हैं। तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई है ब्रजमोहन दास जी से मिलके, और इस बुक लॉन्च में बहुत बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, अक्सर हम लोग जो रूप प्रचलित रूप से दिखता है हम व्यक्ति को वही समझ लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में कई परतें होती हैं और परतें उघरती जाती हैं, और कभी कभी पता चलता है कि जो लोग देखने में लग रहा है कि ग्लैमर और सोशल मीडिया की दुनिया में हैं, असल में उनके अंदर भी गहराई होती है और आध्यात्मिक ज्ञान होता है और एक अध्यात्म में रुचि और रुझान होता है। तो ये रूप थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम था क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, ये
रूप जो है, इस रूप की आज के युग में बहुत ज़रूरत है। निशा जी से भी और जितने लोग संभव हों, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ हम जानना चाहते हैं, क्योंकि होता ये है कि गीता का नाम तो सबने सुना है और गीता के ज्ञान की बातें भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन सचमुच गीता है क्या, ये सब बहुत लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस रहस्य को बिल्कुल सादगी से और छोटे छोटे सूत्रों में और एक किताब के रूप में प्रस्तुत करना। तो ब्रजमोहन दास जी और निशा जी दोनों को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जैसा कि कहा कि गीता की बात सभी करते हैं और कहते हैं गीता का ज्ञान, पर क्या है गीता का ज्ञान ये कोई कहना नहीं चाहता, ये जानने में लोग डरते हैं, लोगों को लगता है बड़ी दुरूह, बड़ी मुश्किल सी कोई किताब है। तो इस किताब को उन्होंने इतनी सादगी से, इतनी सुंदरता से और इतने सरल शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस ये आज के युग की ज़रूरत भी है, और ऐसा लग रहा है कि आज के युग में जिस चीज़ की ज़रूरत थी बिल्कुल वही इसी के रूप में, जैसे एक उत्तर, एक प्रश्न के उत्तर के रूप में एक किताब आ गई है। तो मुझे बहुत खुशी भी है और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ निशा जी को भी और ब्रजमोहन दास जी को भी, दोनों से के प्रयास से आज ये किताब हम लोगों के सामने आई है। तो दोनों को बहुत बधाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब से बहुत लोगों के जीवन के बहुत सारी समस्याएँ सुलझेंगी। तो बुक है ब्रजमोहन दास जी की, गीता सूत्रस 18 लाइफ ऑफ एसेंशियल्स। उन्होंने बहुत ही साधारण रूप से, जो गीता में 18 अध्याय हैं, उन्होंने 18 अध्याय को, हर एक चैप्टर यानी कि जो अध्याय होते हैं उनको बहुत सिंप्लीफाइड, बारीकी से और काफ़ी एक्रोनिम्स दिए हैं किताब में, कि ताकि वो पढ़ने से याद रहता है। नहीं तो कभी कभी हम जब गीता पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में जाते हैं तो पहला वाला भूल जाते हैं, चौथे में जाते हैं तो तीसरा वाला भूल जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही साधारण रूप से पिक्चर्स के साथ और एक स्टोरी लाइन की तरह से समझाया है, जिसे हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। निशा मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निशा जी बहुत, मतलब वेरी इंप्रेस्ड, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू निशा जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत ही अच्छी तरह से उसको अपने लाइफ में उतारा है, और वो बहुत ही, बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, उस बहुत सारे उनके फ्रेंड्स को देना चाहते हैं। और कृष्णा जी कहते हैं 18वें अध्याय में, 18 चैप्टर में, 69th वर्स में जो कहते हैं, देयर इज नो मोर सेवक मोर डियर टू मी देन वन हु इज स्प्रेडिंग माई वर्ड। सो निशा जी इज दैट स्पेशल पर्सन इन कृष्णास आईज। थैंक यू निशा जी। फॉर जो उनका जो नया अवतार जो देखने मिला हमें, खासतौर पर हमने देखे, उस पर क्या कहने की, आपने काफ़ी अच्छे से किया। निशा हमेशा से ही सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलती है, जितनी एडवांस है उतनी ही स्पिरिचुअल है। सो दिस बुक कमिंग फ्रॉम निशा इज़ नॉट अ सरप्राइज एट ऑल फॉर मी। गीता इज़ समथिंग शी कम्प्लीटली बिलीव्स इन। तो अभी उन्होंने ये सरल फॉर्म में गीता की किताब का लॉन्च किया है प्रभु जी की मदद से। सो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस, बिकॉज आज की जनरेशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। So I would suggest, please buy. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अगर निशा जी की बायोपिक अगर बननी चाहती है तो आई थिंक विद्या बालन विल बी द राइट पर्सन, बिकॉज निशा इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट, एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। सो आई थिंक विद्या बालन उनको ठीक से बैलेंस करके इस रोल को निभा पाएंगी। प्लीज़ बाय द बुक। जिन्हें यहाँ पे प्रभु जी को बुला के गीता का ज्ञान सबको दिया है, मुझे भी यहाँ पे एज अ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बुलाया है, मैं भी उसको एंजॉय कर रही हूँ। निशा जी को मैं 8 साल से जानती हूँ, एक मतलब 8 मार्च में जो वुमेंस डे प्रोग्राम होता है उसमें मुझे निशा जी को, हम सबको अवार्ड मिला था, वहाँ से मैं उनको पहचानती हूँ। तो वो हर कोई ऐसा जो फंक्शन रहता है उसमें मुझे इनवाइट करती है, तो मैं आती हूँ। आज का जो प्रभु जी का प्रोग्राम रखा है गीता सूत्र का,
वो बहुत अच्छा है। हरे राम हरे कृष्ण ये महामंत्र है और हरे बोले तो आनंद है, तो आनंद से लो प्रभु का नाम, ये सब करते हैं। नहीं, जरूरत तो हर जगह पड़ता है, उसके बगैर उसी से ये तो दुनिया चल रही है। और हर आदमी में प्रभु है, माना तो है, नहीं तो नहीं है, तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। और गीता कुरान ये सब चीज़ें हैं, उनको फॉलो करके ही आदमी चलना है। उसका अगर डर होगा तो ही इंसान मतलब ज़िंदगी अच्छे से कर सकता है। थैंक यू। टुडेज बुक लॉन्च ऑन द भगवद गीता, द गीता सूत्रस 18 लाइफ एसेंशियल्स बाय ब्रजमोहन दास was really an eye-opener for me, because ever since I can remember, I've always been a seeker and I wanted to ask so many questions. Today Brijmohan Das gave a reply to all my deepest of queries, and I've always felt that the Bhagavad Gita is the greatest management book. I'm in the field of education and I've read so many books on management principles, but the Bhagavad Gita is so profound. It answers your the deepest question that you have about life, how to live life in a, not exactly, I wouldn't say it's a religious book, it's highly spiritual, and it transforms you completely. Krishna is my greatest guru. Thank you so much. Thank you. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बुक लॉन्च हुआ है, और इसका मैं तहे धन्यवाद करना चाहूँगी निशा जी को और प्रभु जी को कि उन्होंने ये बुक लॉन्च की। आजकल हम कलयुग में हैं और गीता की तो बहुत ज़रूरत है। कृष्ण भगवान हमेशा कहते थे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर आजकल सब फल की टेंशन में रहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, शुगर है, तो आई थिंक गीता का ये संविधान बहुत ज़रूरी है, पर वो सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुँचे, जिसका प्रयास निशा जी ने और प्रभु जी ने किया है। और आई एम वेरी ऑनर्ड कि ये लॉन्च कीबा मेरे रेस्टोरेंट में हुआ है, एंड रेस्टोरेंट में भी एनर्जी वाइब्रेशंस ब्लेस हो गई हैं प्रभु जी के आने से। देयर वाज लॉट ऑफ कृष्णा चैंटिंग, चैंटिंग ऑलवेज चेंजेस द एनवायरनमेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस बुक लॉन्च हैपेंड, एंड आई विल अर्ज एवरी वन टू बाय दिस बुक गीता सूत्रास, विच इज़ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गीता, द एक्सप्लेनेशन कि कृष्ण भगवान एक्चुअली कहना क्या चाहते थे गीता में, तो वो ज़रूर लोग खरीदें इसको और पढ़ें, और अपनी ज़िंदगी में वो इसमें जो सीख इससे मिल रही है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, उसी का उनको फल मिलेगा। सो थैंक यू फॉर बींग हियर।